हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम अपने इस पीछे वाले लोकेशन पर लेके चलते हैं जो कि गंगा का मैदान क्षेत्र है। तो चलिए हम वहीं मिलते हैं। ये जो पीछे आप लोग एरिया देख रहे हैं ना, ये पूरा सूखा पड़ा हुआ, अभी तक बारिश हुई ही नहीं है। पूरा देखिए एकदम काफ़ी दूर तक पूरा एकदम सूखा पड़ा हुआ है। नहीं तो पहले क्या होता था कि इस दौरान इसमें फसल बो दी जाती थी। इस साल तो बारिश हो ही नहीं रही अभी तक, ऐसा लग ही रहा है कि सूखा ही पड़ेगा। पूरा देखिए एकदम पूरा पीछे तक पूरा एकदम सूखा है। ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये वाला एरिया, ये वाला, ये जब इलाहाबाद प्रयागराज में जब बाढ़ आता है तो बाढ़ के दौरान क्या होता है कि बाढ़ के दौरान ये सब पूरा एरिया टोटल एकदम बाढ़ से लोग पीड़ित हो जाते हैं। पूरा जलस्तर इतना ऊपर हो जाता है कि यहाँ से वहाँ तक, जहाँ तक वो सब ये सारी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं आपको, वहाँ तक पूरा पानी चला जाता, अंदर तक, काफ़ी अंदर तक। ये जो हमारे पीछे आप लोग देख रहे हैं भैंस, ये भी बेचारी पानी के लिए तरस रही है। क्योंकि ऐसे में क्या होता था कि गंगा जी का जो जलस्तर हुआ करता था वो काफ़ी बढ़ जाता था, काफ़ी दूर तक पानी आ जाता था। लेकिन अभी क्या है कि अभी जैसे गर्मियों में पानी हुआ करता था वैसे ही पानी ज़्यादा बढ़ा नहीं हुआ है। वहाँ पीछे देखिए, वहाँ दूर वहाँ नागवासुकी जी का मंदिर है, शायद आप लोग दिख नहीं रहे होगा क्योंकि काफ़ी दूर पड़ रहा है, जूम करने के बाद दिखेगा। वो मंदिर है, जब बाढ़ आता है तो बाढ़ आने के दौरान क्या होता है, पानी उस मंदिर तक जाता है, काफ़ी ऊँचे तक वहाँ पानी पहुँच जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये मेरा छोटा सा वीडियो था, बताइएगा आप लोग कैसा लगा, कमेंट करिएगा।